ऊपर तक जा रहा है। यदि हम ऐसे पॉइंट में नोचिंग नहीं करते हैं तो इसमें कभी भी ब्रांच नहीं आएगी। यदि हमें इसमें ब्रांच चाहिए तो आप इसमें नोचिंग जरूर करें आजकल, क्योंकि कुछ एक बागवानों का कहना रहता है कि भाई आजकल नोचिंग का टाइम नहीं रहता है, क्योंकि नोचिंग आजकल ली गई जाती है, क्योंकि आजकल सैप पेड़ पर चढ़ रहा है। यहाँ देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाओ, यहाँ आँख है, आँख से आधा इंच ऊपर इस तरह से कट मारे, आरी से भी कट मार सकते हैं आप, चाकू से भी, कैंची से भी। थोड़ा जूम करके दिखाओ इनको, नोचिंग बहुत ही जरूर करें, क्योंकि खासकर गाला वराइटी में डेड स्किन बहुत ज़्यादा जाती है। और दूसरी बात, और जहाँ आपने बेंडिंग की होगी, जितनी गर भी हमारी जो 45 डिग्री में टेढ़ी बार आई है उसमें इस तरह से छूट निकले हुए, उन छूटों को आजकल इस तरह से पिंच करते रहे। यहाँ देख सकते आप, यदि हम इन छूटों को पिंच नहीं करते हैं तो ये छूट मोटे हो जाएंगे, जो हमारी टेढ़ी है बारीक हो जाएगी, क्योंकि हमें वही हड्डी की है टेढ़ी। नोचिंग बहुत जरूरी है। समर प्रोनिंग भी मई महीने से सितंबर तक आप करते रहे, ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने समर प्रोनिंग मार दी, इसको हर 15 दिन में करते रहे। यदि आपने पौधा सही से ट्रेन करना है तो आप समय समय में नोचिंग और पिंचिंग समर प्रोनिंग करते रहे।